डेलिक्यूसेंट। तो जो पहला है वो है कोडेक्स। कोडेक्स के अंदर जैसे हमने बताया, कोडेक्स किसको बोलेंगे, ध्यान रखने वाली बात है, कोडेक्स बोलेंगे अनब्रांच्ड स्टेम, यानी कि ऐसे ट्री जिनके अंदर ब्रांचेस देखने को नहीं मिले हमें, हमें ब्रांचेस जो है वो दिखाई ना दे, और पूरा का पूरा एक सीधा जो स्टेम है वो हमें देखने को मिले, और ऊपर क्या लगी हो, लीव्स लगी हो, और लीव्स इस तरीके से हमें दिखाई दे कि जैसे कि कोई क्राउन हो ऊपर का, जो ताज पहना रखा हो किसी ने, तो उस तरीके से अगर वो दिखाई दे तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, ऐसे ट्रीज को हम कोडेक्स की कैटेगरी में रखेंगे। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, डेट पाम। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं खजूर के अपना पेड़ को, और खजूर का पेड़ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से बिल्कुल सीधा है, यहाँ बीच में कोई ब्रांचेज नहीं है, और जो टिप है सबसे ऊपर का जो सिरा है वहां हम देख पा रहे हैं खूब सारी लीव्स जो है वो हम देख पा रहे हैं, और इन लीव्स को जो देखने पर हमें ऐसे लगेगा जैसे कोई क्राउन लगा रखा हो, तो उस तरीके से इस तरीके के जो ट्रीज होंगे उनको हम कोडेक्स ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा हम बता रहे थे एक्स करंट के बारे में, जब डिस्कनेक्ट हो गया था तो हम एक्स करंट के बारे में ही बता रहे थे। एक्स करंट क्या है, एक्स करंट हम किसे बोल रहे हैं कि जिसके जो लोअर स्टेम, ऐसे ऐसे ट्री जिनका जो स्टेम है वो नीचे से तो कैसा हो, चौड़ा हो या थिक हो या मोटा हो, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो पतला होता जाएगा, तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जो पतला, यानी कि अगर मैं बना के दिखाऊं तो किस तरीके से नीचे की तरफ से तो हम देखेंगे कि चौड़ा ट्रीज हमें जो चौड़ा स्टेम देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ ग्रो ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे जो स्टेम है वो पतला होता जाता है। तो ऐसे ट्रीज जो होंगे उन ट्रीज को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उन ट्रीज को हम रखेंगे एक्स करंट ट्रीज की कैटेगरी में, और इसकी वजह से जो ट्री है वो देखने को भी किस तरीके से मिलेंगे, हमें ऐसे लगेगा जैसे कोई शंकु हो या कोन हो, तो कोन जैसे अरेंजमेंट हमें देखने को मिले, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्स करंट ट्रीज की कैटेगरी में रखते हैं। एक्स करंट ट्रीज की कैटेगरी में क्यों, एक्स करंट ट्रीज के अंदर हमें क्यों देखने को मिलता है कि एक्स करंट ट्रीज में कॉनिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी, और कॉनिकल स्ट्रक्चर किस वजह से देखने को मिलेगी हमें, एक्रोपिटल अरेंजमेंट की वजह से। और एक्रोपिटल अरेंजमेंट क्या होता है वो हमने बताया कि जिसमें ओल्ड ब्रांचेज हैं वो तो बेस पर मौजूद हो और जो न्यू ब्रांचेज हैं वो टिप पर या ऊपर की तरफ मौजूद हो, यानी कि हम अगर ये स्टेम की बात करें तो इस पे जो ये जो ब्रांचेज निकले नीचे की तरफ या बेस की तरफ जो ब्रांचेज मौजूद होगी वो तो कौन सी होगी, ओल्ड ब्रांचेज होगी, पुरानी वाली ब्रांचेज होगी, और जो नई ब्रांचेज बनेगी वो कहाँ मौजूद होगी, ऊपर की तरफ या टिप की तरफ मौजूद होगी। तो जो नई ब्रांचेज हैं वो टिप की तरफ और ओल्ड ब्रांचेज जो हैं वो नीचे की तरफ मौजूद हो, तो ऐसे जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे देख रखा है अशोक, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देख रहे हैं अशोक। एग्जाम्पल डायग्राम भी अभी देखा था हमने, ये अशोक ट्री है, इसमें देख पा रहे हैं हम कि कोन की जैसे हमें ट्री दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई कोन या शंकु हो हमारे सामने, और वो किस वजह से दिखाई दे रहे हैं, एक्रोपिटल अरेंजमेंट की वजह से ब्रांचेस के। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं उन एंजियोस्पर्म के अंदर एक्स करंट टाइप के जो ट्रीज हैं वो काफी कम देखने को मिलेंगे हमें, अधिकतर जो एक्सकरेंट टाइप जो है ट्रीज के वो हमें देखने को मिलते हैं पाइन्स में और जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर। पाइन्स और जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं वो अधिकतर जो है वो किस तरीके के होते हैं, एक्सकरेंट टाइप के। लेकिन अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म अधिकतर जो होते हैं वो तो डीकरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल जो अभी हमने सारा कैंडिका या अशोक का देखा है वो किस तरीके का होता है, एक्सकरेंट टाइप का होता है, एक्सकरेंट टाइप का होता है। तो एक्सकरेंट और डीकरेंट का एक अंतर बता रहा था, डिफरेंस बता रहा था, तभी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो एक्स करंट और डी करंट जो है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक्स करंट किसे कह रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि एक स्टेम है, ये इसको और इस डायग्राम को देख सकते हो, इन दोनों डायग्राम को देख सकते हो, एक तो इस डायग्राम को और एक इस डायग्राम को, इन दोनों डायग्राम को देख सकते हो, और इनके जरिए समझ सकते हो कि एक्स करंट टाइप क्या होता है और डी करंट टाइप क्या होता है। एक्स करंट टाइप यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जहां पे कि ये स्टेम है, और स्टेम से ये एक ब्रांच दूसरी ब्रांच, इस तरीके से अगर ब्रांचेस निकलती हुई चले, एक मेन एक्सिस बीच में दिखाई दे, ये बीच में एक मेन एक्सिस दिखाई दे और इससे दोनों तरफ ब्रांचेस हमें देखने को मिले, तो ऐसे ऐसी कंडीशन को तो बोलते हैं एक्स करंट कंडीशन। लेकिन यहां हम देखेंगे तो कोई मेन एक्सिस नहीं है, यहां तक का जो स्टेम है वो बिल्कुल अकेला है जिसपे कोई ब्रांचेज हमें देखने को नहीं मिल रही है, और ऊपर की तरफ यहाँ से अलग से ब्रांचेज निकलती हुई दिख रही है हमें, ऐसे लग रहा है जैसे ये सारी ब्रांचेज जो है वो एक ही जगह से
अरेंज हो रही हो या एक ही जगह से निकलती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो यह जो अरेंजमेंट है, यानी कि एक स्टेम है और एक स्टेम से हमें अलग अलग ब्रांचेज यहाँ पे देखने को मिल रही है इस तरीके से। इन ब्रांचेज वाले जो ये ऐसे ट्रीज की कंडीशन को तो हम क्या कहते हैं, डी करंट कंडीशन कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, डी करंट। ऐसे ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डी करंट अरेंजमेंट बोलते हैं। और यहां हम देख पा रहे हैं अगर इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट हो, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट हो जहां पे हमें इस तरीके से हमें देखने को मिले, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्स करंट अरेंजमेंट। यानी कि जहां पे हमें एक मेन एक्सिस है और मेन एक्सिस से अगर ब्रांचेस हमें निकलती हुई दिखाई दे रही है तो उसको बोलेंगे हम एक्स करंट। और यहाँ पे अगर कोई मेन एक्सिस ना हो, यहाँ पे एक बेस होगा और उस बेस से ही हमें सारी की सारी ब्रांचेस अगर देखने को निकलती हुई दिखती है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उसे हम रखेंगे डी करंट के। और अधिकतर जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो डी करंट टाइप के ट्रीज उनके अंदर मौजूद होते हैं बजाय एक्स करंट टाइप के। एक्स करंट टाइप जो है वो किसमें कॉमन है, एक्स करंट टाइप जो है वो जिम्नोस्पर्म और पाइंस के अंदर कॉमन है, और डिकरेंट टाइप जो है वो एंजियोस्पर्म में कॉमन है। तो ध्यान रखने वाली बात है, एंजियोस्पर्म में जो मेन मेन पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं ना, उनको डेली के डेली नोट किया करो और उनको अच्छे से समझा करो। जैसे जो हमने बताया थ्री एन एंडोस्पर्म की जो प्रेजेंस है वो केवल और केवल किसमें पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। बाकी किसी, चाहे ना जिम्नोस्पर्म में ना टेरिडोफाइट्स, किसी में नहीं देखने को मिलता है। तो थ्री एन एंडोस्पर्म एक विशेषता है एंजियोस्पर्म की। उसके अलावा डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो भी एंजियोस्पर्म की विशेषता है। और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि डी करंट जो टाइप है वो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं और एक्स करंट टाइप है वो जिम्नोस्पर्म और पाइंस में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम के जरिए भी देख पा रहे हैं इनको। तीसरा जो टाइप हमने बताया ट्री का वो है डेलिक्यूसेंट। डेलिक्यूसेंट किसे कहेंगे, द एपिकल बड ऑफ द मेन स्टेम। जो मेन स्टेम होता है उसकी एपिकल बड होती है वो डाइज हो जाती है, मर जाती है आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में। एंड ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। और कहने का मतलब कि मेन स्टेम जो है वो तो डाई हो जाता है और जो ब्रांचेज और सब ब्रांचेज हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में फैलती हुई हमें दिखाई देती है। यानी कि जो मेन एक्सिस है वो तो एक टाइम के बाद में, जैसे मेन एक्सिस है वो तो खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद में, और उसके बाद में जो ब्रांचेज हैं वो ब्रांचेज और उसकी जो सब ब्रांचेज है केवल वही हमें दिखाई देती है। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ये ब्रांच हो गई और यहाँ पे ये सब ब्रांच हो गई, तो ब्रांचेज और सब ब्रांचेज जो है वही अलग अलग डायरेक्शन में फैलती हुई हमें दिखाई देगी। तो ऐसे ट्रीज को डेलिक्यूसेंट ट्री की कैटेगरी में रखा जाता है। एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख पा रहे हैं टेमेरिंड और फाइकस। टेमेरिंड किसको बोलेंगे, इमली को। तो टेमेरिंडस और फाइकस जो है वो डेलिक्यूसेंट ट्री के एग्जाम्पल है। डायग्राम भी अभी हम देखेंगे इनके। ये टेमेरिंड के प्लांट है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसे कि यहाँ पे मेन एक्सिस जो है वो यहीं पे खत्म हो चुका है और उसके बाद में हम देख रहे हैं ब्रांचेस जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में फैलती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है कि ब्रांचेज ही है सारी, तो इन ब्रांचेज और सब ब्रांचेज हमें यहाँ पे फैलती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके को हम डेलिक्यूसेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ये फाइकस का प्लांट है, यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि ये ब्रांच, ये मेन एक्सिस तो यानी कि मेन स्टेम जो है वो तो यहाँ से रिड्यूस हो चुका है और ऊपर की तरफ सिर्फ ही हमें ब्रांचेज ही दिखाई दे रही है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको डेलिक्यूसेंट ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। तो तीन तरीके हुए, कौन कौन से, कोडेक्स, एक्स करंट और तीसरा है डेलिक्यूसेंट। इन तीनों कैटेगरी और चौथी कैटेगरी हमने देखी डी करंट। चौथा जो टाइप है वो है, और चौथा टाइप किसका, वो टाइप तो कंप्लीट हो चुके ट्री के, तो टाइप कंप्लीट हो चुके। ट्री कौन कौन से थे, कोडेक्स, एक्स करंट और डिकम्बेंट। लेकिन अब ऊपरी ऊपर हमने क्या बताया था शुरुआत में कि चार टाइप के हम ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट के आधार पे हम इन्हें प्लांट्स को एंजियोस्पर्म प्लांट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने काफी स्टार्टिंग में ही बताया था, ये रहा, यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंजियोस्पर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप में, पहला है हर्ब, दूसरा है शर्ब, तीसरा है ट्री और चौथा है कल। तो हर्ब, शर्ब, ट्री और कल्म, ये चार प्रकार इसके देखने को मिल रहे हैं हमें। चौथा टाइप जो कल्म है वो किसे कहेंगे, हम देखेंगे इन दीज प्लांट्स। इन प्लांट्स के अंदर नोड एंड इंटरनोड्स आर एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट,
इंटरनोड्स ऑफ सच प्लांट्स आर यूजुअली हॉलो। जो इंटरनोड्स होते हैं ऐसे प्लांट्स के अंदर वो काफी सकड़े होते हैं, काफी छोटे होते हैं, और जो नोड और इंटरनोड होती है वो काफी प्रोमिनेंट होती है या डोमिनेंट होती है। तो ऐसे नोड और इंटरनोड जो है वो एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट होते हैं, और इंटरनोड जो होते हैं ऐसे प्लांट्स के वो काफी सकड़े देखने को मिलते हैं। दीज प्लांट्स आर ग्रासेस। ये प्लांट्स हालांकि कैसे होते हैं, ग्रास होते हैं, घास के जैसे होते हैं, बट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज हर्ब और शर्ब और ट्री। पर इन इन प्लांट्स को ना तो हर्ब की कैटेगरी में रखा जा सकता है, ना शर्ब की कैटेगरी में रखा जा सकता है, और ना ही ट्री की कैटेगरी में रखा जा सकता है। असल में ये प्लांट्स जो है वो ग्रासेस होते हैं, लेकिन इन्हें ना तो हर्ब की कैटेगरी में, ना शर्ब की कैटेगरी में, और ना ही ट्री की कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि इनका जो प्रकार है वो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, कलम की कैटेगरी में रखा जाएगा। और कलम की कैटेगरी में किसे रखा जाता है, जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स जो है वो प्रोमिनेंट होते हैं, इंटरनोड जो है वो काफी सकड़े होते हैं। एग्जाम्पल है बंबू, ये प्लांट्स को हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, नोड और इंटरनोड जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी सकड़े जो सकड़े नोड और इंटरनोड हमें दिखाई देते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा आज का जो टॉपिक है। कुछ प्रॉब्लम्स भी रही, कई बार कनेक्ट होने में भी दिक्कत आई, बीच में डिस्कनेक्ट भी हुआ एक दो बार, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोग